पांच वीडियो स्वागत है। और भाई आज हम लोग देखने जा रहे हैं रॉकिंग स्टार यश एंट्री सीन KGF चैप्टर 2। एक्चुअली पहले हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग लाइव आकर इसके बारे में बताएंगे, फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट सीन्स आपके साथ बैठकर देखते हैं। तो चलिए आज देखते हैं एंट्री सीन। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का वैसे लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। सर कल मैंने एक आर्टिकल दिया था ना, मैंने लिखा था सर्वे नंबर में जो गांव था, आज उसका पता ही नहीं है, गायब है, वो पब्लिश ही नहीं हुआ। सर इस प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सालों से मैं न्यूज प्रिंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद न्यूज नहीं बनना चाहता। ऐसा नहीं कि इसके बारे में किसी को पता नहीं था, जितना मेरे पिताजी को इसमें इंटरेस्ट था, CBI के एक स्पेशल विंग को भी उतना ही था। पश्चिमी तट पर चल रहे दंगे, बॉम्बे रिफाइनरीज की इरेगुलरिटीज, एक्सेसिव फ्लो ऑफ गोल्ड इन द ब्लैक मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेल्स एंड हंड्रेड्स ऑफ विटनेसेस, सारी उंगलियां एक ही तरफ इशारा कर रही है सर, KGF। लेकिन एक भी चार्जशीट फाइल नहीं हुई ना सर। विच बैच आर यू रमेश? सर 74 सर। आई एम 54। KGF में सोना निकालने मजदूर जितने मेहनत कर रहे हैं, वहां छुपे सच को बाहर निकालने के लिए पेन पेपर भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। But those documents will remain in the locker and nobody will do anything about it. वो घड़ी देख रहे हो? बहुत दिन से बंद पड़ा है, उसे की देने का इंटरेस्ट भी नहीं है किसी को। तो इसके बारे में कौन सोचेगा? KGF was a well-oiled machine. बिल्ली चोरी से दूध पी रही थी ये सब जानते थे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत किसी में नहीं थी। KGF में करुणा को मारने के बाद क्या हुआ आप पढ़ेंगे? KGF में करुणा के मौत के अलावा बाहरी दुनिया को कुछ पता नहीं था, लेकिन अगले दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले जगह पाली में राजेंद्र देसाई, गुरु पांडन, एंड्रूज और कमल गरुड़ा के छोटे भाई विराट के राज्याभिषेक के लिए आए थे। तलेवा, तलेवा, गरुड़ा मर गया। गरुड़ा की चिता बुझने से पहले ही विराट का रुबाव शुरू हो गया है, अपने लिए खुद ही ठाट बाट कर रहा है। पहले ऐसा नहीं था ना विराट? विराट मस्ती से काम करेगा तो ही हमारा काम आसान होगा। और गुरु पांडियन? हाथी को ही मार गिराया तो ये बकरी क्या चीज है। तू ज्यादा चिंता मत कर, नाराज ही के लालच में किसी और के कदम यहाँ पड़े हो ही नहीं सकता। लेकिन ये इफेक्ट बहुत अच्छा। इस विराट में इतना रुबाब कहां से आ गया? उसे मैं ही मारूंगा। वो बंबई वाला था ना, क्या नाम था? रॉकी। उसको मार दिया ना? मिस हो गया साला मेरे। ये जो हमने एक गांव देखा था ना हिमाचल का ही, उसे KGF भेजा था गरुड़ा को मारने, लेकिन वो गया था KGF पे राज करने। उसके लिए पहले गरुड़ा को मारना था, गार्ड से बचना था और सबसे ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींचना था। इसलिए शॉर्ट सर्किट किया और व्हाइट लाइन पार की, लेकिन पहले वो गया था विराट को मारने। वहां से तीन भाइयों में से एक बन के सबके सामने उसने गरुड़ा को मार डाला।
जब वो आनंद के गार्ड्स बंदूक पकड़े खड़े थे, जिन लोगों में सर उठाने की हिम्मत नहीं थी वही लोग रॉकी को ऊपर खड़े देखकर गार्ड्स के सर कुचल के आगे बढ़ते हैं। लोगों ने रॉकी को अपना सुल्तान मान लिया था। रीना, तुम यहाँ कैसे? फ्रेंड्स के साथ रेस्टो में बैठी थी, जबरदस्ती उठा के लाए। कौन है वो? रॉकी स्टार, यस। म्यूजिक यार। ये सीन देखने वाला था जहाँ पे जो है ना सारे एकदम ठीक है, सब विराट का इंतजार। अच्छा जो शुरू में मुझे बड़ा ये ना अजीब सा लगा था कि इस तरह से क्यों कर रहे हैं ना। देखना इस कुर्सी के लिए कोई और सर ना कटे। रॉकी गरुड़ा को मारने वाला यही है। ये अंकल कितने खतरनाक थे ना। अरे सबसे ज्यादा खतरनाक ही है। डर इज्जत तो दिल में होनी चाहिए। ऑल आर वन। विराट 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 उड़ा दिया। बेचारा छोटी उम्र में ही चला गया। ये पंचों का चबूतरा तो मस्त बनाया है। अरे सबके थोपड़े क्यों लटके हैं? डोंट वरी, यू आर इन सेफ हैंड्स। जगह के लिए नया हो? फील्ड में नहीं, आपकी कंपनी का नाम बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद, इतना बस। एक गया तो दूसरा कर बैठ गया, इसको खोखो समझा है क्या? हमारे बाप लोगों ने अपना साम्राज्य महफूज रखने के लिए ही हमें पैदा किया है। कोई बाहर वाला आकर बैठ जाए और हम घास छीलते बैठे। नेपोटिज्म हमारे देश में जहां देखो रिकमेंडेशन डोनेशन डोमिनेशन इन्फ्लुएंस घूस बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाला क्या करे? बिना घूस लिए काम करने वाला ऑफिसर क्या करे? हल चलाने वाला क्या करे? अकेला घोस के सर काटने वाला क्या करे? मेरिट, ये बात सही है। मेरिट से आए हैं भाई, आप उनको भी थोड़ा रिस्पेक्ट दें भाई। तुम्हारे बाप लोगों ने सब सही किया लेकिन एक मिस्टेक कर दी। तुम सबको मेरे टाइम पर पैदा कर दिया। मैं राज करता रहूंगा, तुम सब घास छिलते रहना। व्हाट डू यू से सुनो? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो पहले ये बताओ। रखने के लिए केजीएफ में सेफ्टी सोना बहुत डेंजर है ये सब लोग। और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी चलाने वाले को एक कंपनी तो चाहिए ना, एंटरटेनमेंट। अच्छा वैसे ये मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगा था कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। एंटरटेनमेंट भाई, केजीएफ चैप्टर 2 जो है उसमें तो सबको पता था कि भाई केजीएफ के शहशाह जो हैं अब वो बनेंगे तो यश बनेंगे। लेकिन जो है ना नॉर्ड और स्टार्टिंग में जिस तरह की एक उनकी एंट्री हुई थी ना वो बड़ी मजे की थी। बिल्कुल, और कॉन्टेक्स्ट भी मैं कहूंगी कि सारा उन्होंने बताया वो चीज भी अच्छी कि जिस तरह से केजीएफ चैप्टर 1 में उन्होंने गरोड़ा को मारा और उसके बाद अब जो चैप्टर 2 स्टार्ट होता है और एंट्री में ही दिखा दिया जाता है कि किस तरह से वो विराट को भी मार देते हैं। तो जबकि सब लोग जो है वो विराट का इंतजार कर रहे होते हैं। और वैसे वो सीन जब वो एंटर होते हैं ना सबकी एक बार फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो इस तरह के भाई ये कौन आ गया। लेकिन ये मैं एक बात बोलूंगी कि जो इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर है ना वो बहुत अच्छा। आई मीन रवि बसरूर जी ने मैं कहूंगी कमाल कर दिया है। म्यूजिक ऐसा है जो आपको ना गूज़बम्प्स देता है। जब जब ये म्यूजिक आप सुनते हो ना मुझे नहीं समझ पाते, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझे कुछ होना शुरू हो रहा है। खास कर वो जो है ना जो माँ वाला इट्स स्पेसिफिक म्यूजिक है भाई। देखिए मैं म्यूजिक नहीं दे सकता, मुझे जुकाम हुआ है आपका जरा सही है। नारे 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 ना ऐसा वाला ना बिल्कुल। लेकिन ये
क्रश की एंट्री में भी जो मतलब एक म्यूजिक होता है ना, दिन 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 दिन, अभी मौसम का तो अभी तुम्हारा मेरा नाक मेरी नाक में वाइब्रेशन महसूस हो रही है मुझे, लेकिन ये कि वो भी मुझे बहुत पसंद आता है। फिर एक और भी इसमें ना 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 इस तरह से करके भी ना म्यूजिक आता है, वो भी हम लोग अपना म्यूजिक हम अपना बीजीएम जो है क्रिएट कर रहे हैं। मुझे ना इसमें एक चीज बड़ी फनी लगती, जब मैं देख रही थी ना मूवी तो तभी भी मेरी हंसी निकल आई थी नेपोटिज्म वाले पे। हाँ। यार वैसे देखा जाए तो एक पॉइंट भी मारा उन्होंने। हाँ, बिल्कुल। वैसे यार देखिए ये जो है ना खाली नेपोटिज्म मैं कहूंगा फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, यानी कि हर जगह जो है आपको नेपोटिज्म देखने को मिलता है। तो ये मेरा ख्याल है एक बहुत पुरानी एक प्रथा ही चलती आ रही है, ये लोगों को इतना ज्यादा लोग इसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे थे ना, और ना लोगों को इतना नॉलेज था। तो मुझे लगता है कि अब आकर जो लोग हैं काफी ज्यादा ओपन हो गए, काफी ज्यादा ओपन हो गए। अच्छा मुझे एक और सीन बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर जो है वो अपनी सोना को लेकर आते हैं और फिर सोना, हाँ तो उन्हीं की होती है ना भाई, तो फिर वो अलग बात है उन्हें बाद में प्यार होता है उनके साथ, लेकिन जैसा वो चलते आते हैं और उनके गिर्द एक पूरा राउंड मार कर फिर जाकर बैठते हैं ना, यार ऑनेस्टली बोलो मुझे थोड़ा चीप लगता है कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, इस तरह से क्यों कर रहे हैं। यार यार देखें एक ऑडियंस को वो भी तो करना ना एंटरटेन करना, देखें उन्होंने पूरी एंटरटेनमेंट के लिए केजीएफ में उन्हें रख लिया, तो ऑडियंस को उन्होंने एंटरटेन करने के लिए एक यू नो ऑडियंस को फील कराने के लिए कि भाई ये इन फ्यूचर जो है, लेकिन कहते ना कि कभी कभी हम लोगों को मुंह से सही वाले अल्फाज मतलब हमेशा सोच समझ के निकालने चाहिए, क्योंकि देखो जब वो इस वाले में बोलते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए केजीएफ में कंपनी के लिए चाहिए कोई, हाँ। तो बाद में उनको मतलब फिर दोबारा से देखो जो एक और विलन होता है उनके मुंह पे ये वाली बात मारता है, तो मतलब हाँ। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर एक औरत को मुझे लगता है कि ऐसा बोला जाता है कि एंटरटेनमेंट किस सेंस में आप कह रहे हो वो एक डिफरेंट चीज है, बट इतने सारे लोगों के बीच में को तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा ह्यूमिलेशन फील करते हो। हाँ, लेकिन वैसे जो है ना मुझे इस मूवी में जो है यू नो गाने इस मूवी के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो है ना पिछली इसका पार्ट वन की बात करें उसमें वो गाने गली गली में मुझे अभी तक बहुत पसंद है। मौनी रॉय को भी हम लोगों ने क्यों नहीं देखा, यार मौनी रॉय हो जाए या कोई और हो जाए, क्यों नहीं देखा हमने, जिनकी वजह से आइटम सॉन्ग्स बनाने पड़ते हैं। यार देखे मेरी बात ने आइटम सॉन्ग्स हो ना मजे के, हाँ। तो आपको फिर ही देखने में मजा आता है, ठीक है ना। अगर आइटम सॉन्ग हो और खाली उसमें सिर्फ वो सिर्फ आइटम ही हो और सॉन्ग ना हो तो वो मजा नहीं आता। अच्छा वैसे केजीएफ में एक चीज जो मैं मतलब देखती हूँ जो कि रियल लाइफ में भी होता है कि पब्लिक जिसके साथ होती है ना वो बंदा बादशाह होता है, ये चीज मानने वाली। और जिस तरीके से रॉकी भाई ने अपनी एक हम कहेंगे कि एम्पायर वहां पर खड़ी कर ली, और उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे ना, क्योंकि मतलब पूरा केजीएफ जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट वाला अगर हम लोग जब पार्ट देखते हैं तो उसमें उनकी स्ट्रगल नजर आती है, किस तरीके से वो अंदर की सारी हम कहेंगे कि वो कहते हैं ना जासूसी करना एक तरह से, वो सारी अंदर लोगों के साथ जो है अटैचमेंट अपनी करना, फिर उसके बाद जब केजीएफ पूरा उन्होंने अपना होल्ड कर लिया तो लोग किस तरह उनकी तरफ खड़े हो गए, तो ये चीजें वाकई बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमने बीच में कई ऐसे सीन्स देखे जिसमें लोगों की सपोर्ट की वजह से एक बंदा जो है वो ऊपर आपको जाता हुआ नजर आया। बिल्कुल, बस ये कि मुझे ओवरऑल बहुत मजा आया ये वाला ट्रेलर क्या ये वाला क्लिप देखने का, और आगे मजीद और हम लोग आपके साथ बैठकर देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको, और आप जरूर बताइएगा कि आपको इस सीन में बेस्ट डायलॉग कौन सा लगता है, जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और मुझे ये भी बताइएगा कि जिन जिन लोगों ने मूवी थिएटर में देखी है रॉकी भाई की यश की जो एंट्री है उस पर सीटियां और तालियां बजी या नहीं बजी। और हाँ एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल एडमायर करती हूँ किसी भी जो एक्टर है जो रोल जिस भी करेक्टर में उनको देखते हैं, बट आई नो कि वो रियल लाइफ नहीं होती, वो रील लाइफ होती है। तो कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको लगता है कि शायद मैं मतलब बहुत ज्यादा ना उस तरीके से ले लेती हूँ जैसे वो होता है ना, नहीं पर्सनली लाइक कि अभी जैसे रॉकी भाई का जो करेक्टर है ना ये रियल लाइफ की हद तक ही अच्छा लगता है, रियल लाइफ में तो मुझे नहीं लगता ये कभी भी किसी को पसंद आएगा कि मतलब जो भी है कि एक
यू नो एक इलीगल काम में जो इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो डेफिनेटली मुझे पता है कि रील और रियल में क्या फर्क है. बट मुझे लगता है कि मूवी क्योंकि हमारी थोड़ी फैंटेसी लाइफ होती है, इमेजिनेशन उसमें बहुत सारी होती है, तो मुझे लगता है उसको ऐसे इंजॉय करना चाहिए, ऐसे एडमायर करना चाहिए. क्योंकि जैसे रॉकी भाई अकेले सबको मारते हैं, तो रियल लाइफ में तो बंदा अकेला कभी भी नहीं मारता. लेकिन क्या नाम लेते हैं, फिल्म में हम जो है ना एक्टर से और जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं ना कि कई लोग जो है ना उससे फील करना शुरू हो जाते हैं. मुझे मतलब मुझे पता है भाई कि हर और मेरे के लिए मैं सॉरी करता हूँ, मेरा जो है ना वो जुकाम लगा हुआ है, तो मुझे जुकाम लगा हुआ, तो मैं इसके लिए पहले ही माजरत कर लेता हूँ भाई. हाँ जी, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी. तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि बेस्ट डायलॉग इस सीन में कौन सा लगा. और इसी के साथ हमें गुड बाय.